हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टॉप करियर दिस इज मोहम्मद एंड टूडे वील गोइंग टू डिस्कस जॉब्स फॉर इंजीनियर्स एंड एमबीए प्रोफेशनल्स दोस्तों यहां पे डी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं दोस्तों ये एक गवर्नमेंट कंपनी है पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर में ये काम करती है और इनका काम है नई रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करना सो so यहाँ पे Uh, सबसे पहला ऑप्शन uh, है जूनियर मैनेजर जिसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए 31 वन मैकेनिकल के लिए 03 और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए 77 सेवन वैकेंसीज अवेलेबल हैं सो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए सिविल में सिक्सटी परसेंट मिनिमम आपके मार्क्स परसेंटेज होने चाहिए उसके अलावा बी ई इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल या फिर एम बी ए इन मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंस मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन या फिर फाइनेंस के अंदर आपका एम बी ए होना चाहिए सो so अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास में है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एज लिमिट जो है वो एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर्स हैं मतलब एटीन से कम नहीं होनी चाहिए और ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सैलरी जो है यहाँ पे आपको ई टू लेवल की मिलेगी मतलब फिफ्टी थाउजेंड से यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होगी पर मंथ दूसरी जॉब है एग्जीक्यूटिव लेवल की यहाँ पे सिविल में सेवेंटी थ्री इलेक्ट्रिकल में फोर्टी टू में एटी सेवन बिजनेस ऑपरेशन में टू थर्टी सेवन और मैकेनिकल में थ्री वैकेंसीज अवेलेबल हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सो so यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास में डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब डिप्लोमा और डिग्री दोनों को सेम कंसिडर किया जाएगा आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल रहोगे बिजनेस ऑपरेशन के लिए आप किसी भी फील्ड में आपके पास में डिग्री हो मिनिमम कोई भी ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन ऑपरेशन के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एज यहाँ पे 18 इयर्स टू 30 इयर्स रहेगी और सैलरी यहाँ पे इस लेवल पे आपको थर्टी थाउजेंड ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस एंड मैकेनिकल में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा आईटीआई आई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेशन हासिल किया है इन रिक्वायर्ड ब्रांचेज में तो यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो सैलरी जो है वो 25,000 फाइव थाउजेंड ऑनवर्ड्स आपकी रहेगी एज लिमिट जो है वो 18 टू 30 इयर्स रहेगी यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और आपका रिज़ल्ट जो है अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते आपका रिज़ल्ट डलैर हो गया है मतलब आपका कंप्लीट हो गया है इंजीनियरिंग तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो चाहे आप फ्रेशर हो यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो अच्छा है आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा लेकिन अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद में इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपकी पोस्टिंग रहेगी यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है कैसे अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है नोटिफिकेशन का भी लिंक है और जहाँ पे अप्लाई करना है उस वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप जा करके अप्लाई कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट है ट्वेंटी थर्ड सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो इस डेट से पहले आपको अप्लाई करना रहेगा सो so, अगर आप एक अच्छा जॉब देख रहे हो सो so, यहाँ पे एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब आपके लिए वेट कर रहा है आपको अप्लाई करना है प्रिपरेशन करना है टेस्ट क्लियर करना है और यहाँ पर जॉब आपको मिल जाएगा दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और ऐसे ही करियर रिलेटेड जॉब रिलेटेड वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग